मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देश की हालत इस वक्त बहुत ही गंभीर है और तमाम जगहों पर जगह जगह श्रद्धांजलि के कार्यक्रम रखी जा रही है। साथ ही देश में तमाम जगहों पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो देश प्रेमी हो, हर जगह रख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस दौरान जब हमने दादरा नगर हवेली सिलवासा नगर पालिका के काउंसिलर डॉक्टर छत्र सिंह चौहान जी से उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए इंटरव्यू पे पहुंचे, तब उन्होंने हमें इंटरव्यू के दौरान अपने कुर्सी को छोड़कर भारतीय सैनिक के सम्मान में खड़े हो गए। वाकई यह काबिले तारीफ है। पेश है एक रिपोर्ट। तमाम देश की हालत आज इस तरह से है कि बदले की भावना चल रही है, क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ वो एक बहुत बड़ा हमला था। हमारे देश ये पुलवामा में नहीं लेकिन हमारे देश के ऊपर अटैक हुआ है और इसका जवाब हमारी सरकार और हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देगी, उसमें कोई शंका नहीं है। और आज देश के 130 करोड़ लोग साथ में हैं और साथ में रह के आतंकवाद विरोधी सभी के दिल में ये जो हिंसा हुई है उसकी ज्वाला आज भड़क रही है और सभी राजनीतिक पार्टियों भी आज सब साथ में सरकार के साथ आज हाथ मिला के सब मिलके सामना करने के लिए तैयार है। दूसरी बात ये भी है कि हमारी सरकार सूझबूझ के सही समय पे हमारी सेना सही जवाब देगी और ऐसा जवाब देगी कि पाकिस्तान पूरे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। हमारे जवान और उसका जो परिवार है और हमारे जितने भी इंजोर जवान हैं, भगवान इस सबको जितना जल्दी हो सके इतना स्वस्थ कर दे और मैं सब देशवासियों को ये भी कहना चाहता हूँ कि हम साथ रह के एक होके इसका सामना करेंगे, सब मिलजुल के देश का भविष्य के लिए सोचे। और आज ये ऐसा समय आया है, हमारे देश के लिए काला दिन बन गया, जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके लिए हमारे पूरे देश के लोग जो एक होके हमारे जो 40-42 जवान जो मारे गए हैं उनके पूरे परिवार को भगवान ये हादसा सहने के लिए शक्ति दे, हिम्मत दे और हिंदुस्तान के 130 करोड़ देशवासी हमारे जवानों के साथ में हैं और मैं हमारे जवानों को सैल्यूट करता हूं कि ये भारत देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा चुके हैं और अपनी जान गंवाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, देश का रक्षण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं उसको बार बार नमन करता हूं, उसको सैल्यूट करता हूं। जय हिंद।